हज का सफर आज से शुरू हो रहा है। राजधानी जयपुर से एक खास खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल हज पर जाने वाली यात्रियों का पहुंचना जारी है। बड़ी संख्या में परिजन हज पर जाने वालों को छोड़ने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीरें जरा देखिएगा, भावुक हो रहे हैं परिजन। और ये तस्वीरें राजधानी जयपुर से दिखा रहे हैं। टर्मिनल 1 के मुख्य द्वार पर परिजनों को बाहर ही रोका गया है। हज पर जाने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट पर एंट्री दी जा रही है। हज कमेटी की ओर से वॉलंटियर्स व्यवस्थाएं संभाले हुए हैं। वही सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस और CISF के जवान तैनात हैं। जयपुर एयरपोर्ट से हज की पहली फ्लाइट अब रवाना होगी और चंद दिनों तक ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। तो हज का मुकद्दस सफर जो है वो शुरू हो रहा है। हमारे सहयोगी जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा रुख उनकी तरफ करेंगे। जियाउद्दीन, ये बेहद खास पल होता है जब परिवार से कोई हज के लिए रवाना होते हैं, यही तो तमन्ना होती है। तो कितनी भावुकता, कितने इमोशनल वो फिलहाल हो रहे हैं, क्या कुछ नजर आ रहा है, परिजनों का क्या कहना है? लेकिन सेफ्टी के लिहाज से परिजनों को अंदर जाना फिलहाल अभी मुनासिब नहीं होगा, क्या कुछ अपडेट है, जानकारी दीजिएगा। पूनम, देखिएगा कि मुकद्दस हज का सफ़र आज से शुरू हो गया है। सबसे अहम बात यह है कि जो हाजी थे, तमाम जो हाजियों को हज हाउस से यहाँ पे लाया गया, उसके बाद अंदर जो टर्मिनल 1 है जो इसी बार शुरू किया गया और 3 साल बाद ये सफ़र हो रहा है, और उसी के बाद जो तमाम जो हाजी थे कुछ ही देर के लिए अपने जो पवित्र जो सफ़र होगा उसकी शुरुआत करेंगे और यहाँ से पहुँचेंगे। जो उनके अपने थे, विदाई देने के लिए यहाँ पहुँचे थे, और इन सब के बीच राजस्थान हज कमेटी के जो पदाधिकारी थे, जो चेयरमैन थे, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उन्होंने लगातार इस तरह के व्यवस्थाओं का जायज़ा ले रहे हैं। अमीन कागजी, अगर पहले दिन ही व्यवस्थाओं की पोल खुल गई, यहाँ पर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। किस तरह की परेशानियों का? आप अंदर नहीं गए तो पोल खुल गई। लोगों का कहना, देखिए एक बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, कैसी व्यवस्था थी, कितने हाजिर? देखिए आपका आपका बोलना थोड़ा सा गलत है, पोल नहीं खुली है। ये एयरपोर्ट पे कैमरामैन अंदर DGCA का और एयरपोर्ट अथॉरिटी का है कि फ्लाइट तक एयरपोर्ट के कैसे जाएगा कैमरामैन? ये क्या बात हुई? कितने हाजी गए हैं, किस तरह की व्यवस्था है, क्या है? 254 हाजी थे, इसमें एक हाजी का पासपोर्ट अपने आप डैमेज करके लाया, वो उसको इमीडिएट हमने रोकना पड़ा। उसकी रीज़न है कि इमिग्रेशन ने उसको रोका, उसका पासपोर्ट आज ही हम नया बनवा के दोबारा से वीज़ा लगेगा। वीज़ा लगाने के बाद में उसको नेक्स्ट 3-4 दिन या 5 दिन की फ़्लाइट में चढ़ा देंगे। बाकी सारे इंतजाम पहली बार पिछले इतिहास में 1.5 घंटे में 1.25 घंटे में हमने फ़्लाइट पूरी क्लियर कर दी, जिसमें बोर्डिंग भी हो गई, इमिग्रेशन भी हो गया, SHA में जाके आदमी ने शुक्राने की नमाज भी पढ़ ली, और इत्मीनान से बैठे 1.5 घंटा हो गया और आराम से हाजियों को अभी हमने फ्लाइट में चढ़ा दिया है, और 11 बजे इंशाल्लाह फ्लाइट रवाना हो जाएगी। जहाँ तक इंतजाम की बात है, हर आदमी की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है। सब लोग ये चाहते हैं कि अपने हाजी के साथ में हज के फ्लाइट के अंदर बैठा के आऊँ हाजी को, ऐसा मुनासिब नहीं है, ना ऐसा पॉसिबल है। ये बात समझनी पड़ेगी सब लोगों को। जहाँ तक एयरपोर्ट की अथॉरिटी के कितने दिन तक ये फ्लाइट चलने वाली है, कितने लोग जाएंगे और क्या व्यवस्था वहाँ पर की गई है जद्दा मदीना के अंदर? देखिए सबसे बड़ी बात तो यहाँ से मदीना जा रही है फ्लाइटें, और एहराम की पाबंदी नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये 6 घंटे में फ़्लाइट लैंड कर जाएगी। वहाँ पूरे इंतजाम हैं, सेंट्रल हज कमेटी के लोग वहाँ बैठे हुए हैं, तैयारी में हैं। इन सारे हाजियों को इनके जो बिल्डिंग्स हैं वो अलॉटमेंट हो चुका है, ये हमने वेरीफाई कर लिया। वहाँ इनको बसेस तैयार हैं एयरपोर्ट पे, जैसे ही हाजी बाहर निकलेगा इनको अपने घर पे पहुँचा दिया जाएगा, उसके बाद ये जियाउद्दीन बहुत ही प्यार से इनसे जरा ये पूछेगा, क्योंकि ये बहुत गुस्सा तो होगा इस बात पे, पोल वाली बात पे, लेकिन जनता से जुड़ा ये मुद्दा है, हाजी से जुड़ा ये मुद्दा है, 3 साल बाद फ्लाइट शुरू हो रही है, ऐसे में जो परिजन है, जो यात्री हैं, वो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा करते हैं, और ये हम नहीं कह रहे, ये वही कह रहे हैं, अगर उन्हें थोड़ी बहुत परेशानी आई है इसलिए उनका गुस्सा जनता का भी नजर आ रहा है। तो जनता जो आने वाले हाजी हैं, जो आने वाले यात्री हैं कल परसों, क्योंकि कितने दिन फ्लाइट चलेगी, उनको परेशानी ना हो, उसके लिए किस तरीके की व्यवस्था है? क्योंकि आज से सबक तो लिया होगा इन्हें, बड़े प्यार से पूछिएगा इनसे। पूनम,
पूनम देखिएगा, हाँ ये बात सही है बिल्कुल कि क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन पहले ही चेक कर लिए जाते हैं, क्योंकि लगातार कैंप चल रहे थे, अवेयरनेस चल रहे थे, लेकिन इन सब के बीच में एक किसी हाजी का डैमेज होना ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है। लेकिन इन सब के बीच लोगों की अपनी एक्सपेक्टेशन है, जैसे हज कमेटी चेयरमैन ने खुद ने कहा कि लोग चाहते हैं कि वो वहां तक जाएं, और वाजिब होता है क्योंकि वो उस सफर पे भेज रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर सबसे बहन बात ये होती है कि जब जाते हैं तो उम्मीद ये होती है कि वो हज करके वापस लौटें, और ऐसे के अंदर जब इस सफर पे भेज रहे हैं तो लोग ये भी चाहते हैं कि आखिरी पल तक वो उनको देखते रहें। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल और गर्दन सर, लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है, हमेशा से होता आया है कि जाने दिया जाता था, लेकिन यहाँ रुकने नहीं दिया जाना, जल्दी भेजा दिया जाना, इसे के अंदर कुछ सवाल तो जरूर। देखिए आज पहला दिन है, अगर इसके अंदर कोई कमियाँ रही हैं तो उसको सुधार लेंगे हम। लेकिन जैसा आपको मैंने बताया कि हर हाजी के साथ में जो उसके लवाकिन आते हैं, वो लोग ये चाहते हैं कि जब तक हाजी अपने हज के फ्लाइट में नहीं चढ़ जाए, जब तक ओझल नहीं हो जाए, जब तक उसको देखते रहना चाहते हैं। ये हर आदमी की एक्सपेक्टेशन होती है, इसमें कोई वो भी नहीं है। लेकिन कुछ पाबंदियां ऐसी हैं सिक्योरिटी को लेके, आप जैसा पूरे जगह, पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि हाजी के अंदर जाने के बाद बोर्डिंग होनी है, फिर उसकी इमिग्रेशन होना है, फिर उसका सिक्योरिटी होनी है, तो ये भी हमारी जिम्मेदारी में है। गफलत में जब हबड़ दबड़ होती है तो आदमी का सामान छूटने का डर रहता है, सबसे बड़ी बात ये। कभी कोई पासपोर्ट से करेंसी छोड़ देता है, कोई पासपोर्ट छोड़ देता है, कहीं कोई बोर्डिंग छोड़ देता है। इन चीज़ों से बचने के लिए हम ये एहतियातन कदम उठाते हैं ताकि हाजी पुरसकून जो है ना वो फ्लाइट में चढ़ सके, उसके सारे सामान, उसके पढ़ने की किताबें, उसकी ज़ियारत की किताबें, उसके अरकान की किताबें, उसके पासपोर्ट, उसका करेंसी, उसका बोर्डिंग कार्ड उसके साथ रहे। ये सब चीज़ें हम क्रॉस चेक करते हैं, क्योंकि एक बार चढ़ने के बाद अगर कोई चीज़ उसकी यहाँ करेंसी रह गई, कोई और चीज़ सामान रह गया, तो दुश्वारी हो जाती है। इसलिए हम थोड़ा सा प्रिकॉशनरी मेजर लेके ये सारी व्यवस्थाएँ करते हैं। फिलहाल उम्मीद यही है जैसा आपने कहा कि अब ऐसी कुछ परेशानी नहीं आएगी। और मैं आपको जिया भाई बताऊं, ये पहला दिन है और आप देख रहे हैं अभी 10:15 का वक्त है, इतनी गर्मी है। हम इसलिए चाहते हैं कि हाजी जल्दी से आ जाए, लोगों को परेशानी ना हो। हमने यहाँ पे कैंप लगा रखा है, वो कैंप आप इतना बड़ा कैंप हमने पहले कभी नहीं लगाया। हाजियों को वहाँ पे बैठने की सुविधाएँ कर दी और हाजी के साथ जो लोग आए उनको बैठने की व्यवस्थाएँ कर दी, लेकिन लोग गेट तक रहते हैं, इसमें बुराई नहीं है। नहीं देखिए, आप पे सवाल नहीं उठा रहे, आप शुरू से ही इस व्यवस्था को बेहतर करने में जुटे हुए थे, लेकिन जो जिम्मेदार, जिनके हाथों में जिम्मेदारी दी गई थी, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए। इन सब के बीच पूनम सबसे अहम बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह राजस्थान के अंदर, क्योंकि जब से हज कमेटी चेयरमैन बनाया गया तब से लगातार ये कोशिश की जा रही थी फ्लाइट जयपुर से ही शुरू की जाए, और सबसे बात यह थी कि जो व्यवस्थाएं थी उनको बेहतर किया जाए। पहले खादिमुल हुज्जा का जो इंटरव्यू लिया गया वो भी शुरुआत की गई, कई ऐसे सजेशन दिए गए जो राजस्थान से शुरू हुए थे, इन सब का फायदा बेनिफिट हाजियों को मिलने पाला। कुछ आपकी तरफ से तो बेहतर ही भी किया गया था, बेहतर सुझाव भी दिए गए थे। देखिए लगातार हमारे को पूरे साल भर से फीडबैक आ रहा था, हमने राजस्थान के हज कमेटी की तरफ से माननीय अशोक गहलोत जी की तरफ से हमने एक चिट्ठी लिखवाई भारत सरकार में कि हमारा जयपुर एयरपोर्ट बन के तैयार है, इमिग्रेशन यहीं से होना चाहिए, हाजी यहीं से जाने चाहिए। तो हमने हमारे सरकार की जानिब से और हज कमेटी की जानिब से जितने भी पॉसिबल कदम होने चाहिए थे वो उठाए। आज उसी का परिणाम है कि आज 3 साल के बाद हम अपने घर से हाजी को रवाना कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, सब लोग इस बात को लेकर अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और उससे हाजी के खर्चे भी बचते हैं और सुकून से हज पे चला जाता है। जहाँ तक खादिमुल हुज्जाज की बात थी, मैंने खुद ने इनिशिएट किया था, मैंने भारत सरकार को ये हज कमेटी को चिट्ठी लिखी थी कि जो लोग रिपीटर हैं, लाइक बार बार खादिमुल हुज्जाज बन के जाते हैं, उन पर पाबंदी लगे। ये मेरा सजेशन भारत सरकार को और इसके सेंट्रल हज कमेटी को था, उसके बहुत सारी चीज़ें थी उसके पीछे। कुछ लोगों ने ऐसी चीज़ें कर रखी थी कि तो बार बार अप्रोच लगा लगा कर खादिमुल हुज्जाज में आ जाते थे, वो मुझे पसंद नहीं था। मैं चाहता था कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसी निजामत बने कि जो रियल में बातचीत जारी रखिएगा।